हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज़ डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है बच्चा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट सेशन में कुछ हमने कंजर्वेशन के तरीके इन टू कंजर्वेशन क्या है एक्सी टू कंजर्वेशन क्या है हॉटस्पॉट के बारे में प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में तमाम चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी इसके आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे ठीक है उम्मीद करती हूँ लास्ट सेशन तक सब पढ़ कर आएंगे क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आज के सेशन में उसके आगे से हम प्रोसीड करेंगे जिससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूँ फटाफट से फटाफट से फटाफट से इस लिंक को शेयर कीजिए सो वी कैन स्टार्ट विदाउट सेशन और सेशन शुरुआत करने से पहले आपको इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है आप मेरे अगर सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनकेडमी प्लस जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं मेरे साथ साथ इंडिया के पचास से भी ज़्यादा बेहतरीन टॉप एडुकेटर्स जो हैं यहाँ पर आपको एकदम लाइव पढ़ाते हैं तो आप चाहें तो हमारे साथ अनकेडमी प्लस पर जुड़कर अपनी इस नीट की जर्नी को बहुत ही बहुत ही शानदार बना सकते हैं आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें अपना हमसफर बना सकते हैं यहाँ पर रोज़ लाइव सेशंस होते हैं अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर पर यहाँ की लाइव क्लासेस यूट्यूब सेशंस की तरह नहीं होती ज़मीन और आसमान का अंतर है बहुत ही इंटरेक्टिव पैनल है इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर क्लासरूम क्यों क्योंकि इसे स्पेशली लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया है इसमें आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्वेश्चन टैप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कमेंट्स में इतने देख नहीं पाती लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है क्वेश्चन टैप जैसे बाकायदा आप क्लास में क्वेश्चन रेज करते हैं हैंड रेज करके वैसे वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं ठीक है थीके? और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आज के पहले के भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं ठीक है मेगा इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल, चलती चुल, है वीकली क्विजेज हैं मेगा क्विजेज हैं ये सब यहाँ पर है और सबसे खास चीज जो है इस प्लेटफॉर्म की वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस जिन 50 से भी ज्यादा बेहतरीन एडिकेटर्स की मैं बात कर रही थी जी हां बिल्कुल जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन केवल एक मात्र सब्सक्रिप्शन से सब अनलॉक हो जाते हैं आपके लिए जिस एडिकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करें मर्जी आए आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आप कैसे प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं प्ले स्टोर पर जाएं प्ले स्टोर पर जाकर आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछता है उसके अंदर आपको नीट यू भरना होता है नीट यू आप फिल करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और वैसे भी हमें नीट की तैयारी में एक से दो साल लगना ही लगना है एक से दो साल आपको नीट का प्रिपरेशन में लग जाता है तो आप वन ईयर या टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को ही ऑप्ट करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये तीन महीने का सब्सक्रिप्शन ही पंद्रह हज़ार का पड़ता है तो छः महीने में तीस हज़ार पे कर दोगे लेकिन तीस हज़ार थर्टी थाउजेंड में तो पूरा वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है और वन ईयर के सब्सक्रिप्शन में वन मंथ का पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना होता है जस्ट इस एक महीने की पेमेंट से आपको पूरा एक साल फ्री मिल रहा है वन मंथ का पेमेंट क्या लेकिन एक साल फ्री मिल रहा है तो वैसा मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहता है इ ऑफ योर टारगेट ईयर चाहे वो 2021 हो चाहे वो 2022 हो गो फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन टू आप ठीक है बेस्ट है ये टू ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी खराब नहीं जाता ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपको आपके पैसे मिल जाएंगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो बेस्ट वर्जन टू ऑप दिस और आपको ना थर्टी थाउजेंड पे करना है ना थर्टी था सिक्स थाउजेंड पे करना है फीस को कम करने का एक तरीका है प्रोसीड टू पे करने के पहले आपको एक कोड अप्लाई करना होता है जिसमें आप मेरा नाम लिखेंगे जो कि आपकी मैम का नाम है शिवानी इस शिवानी कोड को अप्लाई करने के कई सारे फायदे हैं क्या जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करते हैं पहला फ़ायदा आपको तुरंत नजर आता है वो है फीस पर सीधा सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट प्लस इस कोड को इस्तेमाल करके आप मेरी मेंटरशिप मेरी गाइडेंस में आ सकते हैं मेरे सुपर एटी का पार्ट बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बैकलॉग कैसे कवर करना है मैम कौन सी बुक लगाऊँ एन सी आर टी आई टी ऑफ फिंगर टिप लगाऊँ एम टी जी लगाऊँ यूनिवर्सल स्कोर लगाऊँ इन सबका वन स्टॉप सोल्यून है शॉर्ट नोट्स मेरे हैंड रिटेड शॉर्ट नोट्स मिलते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए चीज़? सारी चीज़ें क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स देती हूँ तो वहाँ पर वो सॉर्ट आउट होता है सुपर एटीज़ का पार्ट बन के आप अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं आप इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है डी पी पी मिलती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो इतने सारे एडुकेटर्स हैं वो सबके पर्सनली आपको मतलब पर्सनली आप कनेक्ट होंगे इस कोड को यूज करके और मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आप आ जाएंगे इट इज ऑल अबाउट दिस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेशन। ओ सॉरी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है मैंने आपको बताया था ठीक है ये डायग्राम ऑलरेडी हम लोग लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की हम लोग बात करें तो ये देख लो आप इम्पॉर्टेंट है कुछ कुछ चीज़ें सुनते जाइए इंडिया के अंदर कितनी विभिन्नताएं कितनी बायोडाइवर्सिटी है तो बता रहा है इंडिया को दस बायोज्रफिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 10 तो टेन बायोजोग्राफिकल रीजन्स इंडिया के पास इट हैज़ इंडिया विद ओनली एक सेकेंड टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इस पूरे मतलब वर्ल्ड के लैंड एरिया को हम देखें तो इंडिया के पास पूरे विश्व का 2.4 परसेंट लैंड एरिया है तो 2.4 परसेंट लैंड एरिया होने के बावजूद 8.1 परसेंट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड की ये आपके इंडिया के अंदर पाई जाती है मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है फिलप द ब्लैंक्स करके तो 2.4 परसेंट तो लैंड एरिया है और स्पीशीज़ कितनी है हमारे पास 8.1 परसेंट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है ये हमारे पास मौजूद है ठीक है इसी वजह से इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है वर्ल्ड में बारह जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जहां पर पाई जाती है टॉप ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड में इंडिया की भी रैंकिंग है उनमें से बारह मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड में से एक आपका इंडिया भी है ठीक है टू पॉइंट फोर परसेंट वर्ल्ड लैंड एरिया होने के बावजूद एट पॉइंट वन परसेंट यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है लगभग पैंतालीस हज़ार स्पीशीज प्लांट्स की हैं एनिमल्स इससे जस्ट दुगने हैं ठीक है थीके? ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द टोटल स्पीशीज अभी तक ही रिकॉर्ड की गई है ठीक है ये सब कुछ नहीं याद रखना आपको मैं आपको बता देती हूँ मैंगो का एक है जो आपको याद रखना होता है पैटर्न ऑफ बैड जितना जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी सारा कुछ मत पढ़ो चलेगा चलेगा ये सब एक ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ जाता है एक बार ये पूछा गया है नीट के अंदर शायद 2017-16 में पूछा गया है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर थे अलेक्सेंडर वॉन होम्बर्ल्ड इन्होंने क्या किया ये साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बता रही हूँ मैं क्या है क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है स्लाइड में सिर्फ वही पढ़ाऊंगी मैं आपको साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा इन्होंने क्या ये की विद इन वाइल्ड एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल ही फाउंड दैट के एक रीजन के अंदर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज मतलब जैसे जैसे आप एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएंगी देखो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया मतलब जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है बट ओनली अप टू अ लिमिट तो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड ये ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला जो है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला लेता है बस दिस इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यही है ठीक है क्या कहता है ये कुल मिला के स्पीशीज एरिया रिलेशन में बस ये याद रखना अलेक्सेंडर वॉल हेम्बर्ड जब साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ेगा तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है बस दैट इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप और ये हाइपर बोला बनता है इसके अंदर देख लो इट टर्न टू ब रेक्टेंगुलर हाइपर बोला फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एंज प्लांट द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन इन द लॉगेरेथम स्केल्स लॉगैरथम स्केल में ये स्ट्रेट लाइन होता है वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है और कहता ही है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ेगा नंबर ऑफ स्पीशीज स्पीशीज रिचनेस जो है ये बढ़ेगी लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है दैट इज द थिंग ओनली दिस ठीक है लिखवा दूं भाई स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्सेंडर वॉन होम्बर्ट ने क्या कहा उन्होंने ये कहा वाइल एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल्स जबी आपके साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे वाइल एक्सप्लोरिंग द साउथ अमेरिकन जंगल्स इन्होंने ये कहा कि विद इंक्रीजिंग द एरिया एक्सप्लोर आपका स्पीशीज रिचनेस जो है ये भी इंक्रीज होता है इट आल्सो इंक्रीज लेकिन एक लिमिट तक ही होगा बट ओनली अप टू अ लिमिट बस लोगैरथन स्केल में स्ट्रेट लाइन वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ये भी आप याद रख लेना क्टेंगुलर हाई पर बोला लगम स्केल के अंदर स्ट्रेट लाइन ठीक दिस इज अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दैट्स इट ठीक है बहुत सिंपल है ये आपका हो गया होगा ये कुछ नहीं याद रखना और कुछ नहीं कुछ नहीं ये कुछ नहीं करना यस yes. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमने मैंने बोला भी था मैंने सीक्वेंस लास्ट क्लास में चेंज किया था बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हम कैसे करते हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इनके कारण क्या है वॉट इज द कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये मैं अपने आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी और ठीक है अच्छा आई यूसी का भी मुझे डिस्कस करना है आपके साथ रेड लिस्ट ने क्या ये पूरा है रुको पहले कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हम डिस्कस कर लेते हैं अगर हम कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज की बात करें कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है इसका नुकसान हो रहा है ये लॉस हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स के अंदर इसे हम पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगी बट जस्ट पहले मैं हेडिंग हेडिंग पढ़ देती हूँ इट इज़ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसका एक कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन इसका एक कारण है ठीक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था ओवर एक्सप्लॉयटेशन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन है एंड को एक्सटेंशन है क्या होता है मैं डिटेल में पहले आपको बता देती हूँ ठीक है फिर हम लोग पीपीटी में देख लेंगे क्या लिखा है तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉज ऑफ कारण क्या है बायोडायवर्सिटी लॉस पहला क्या बताया फटाफट -फड़ बताओ पहला क्या बताया था एरिया लॉस एंड फैगमेंटेशन हैबिटेट लॉस तो यूज करो हैबिटेट लॉस एंड फैगमेंटेशन इसका एक कारण है ओवर एक्सप्लाइटेशन इसका एक कारण है एलियन स्पीशीज इन्वेजन इसका एक कारण है चारों को डिटेल में डिस्कस करूंगी बेटा है ना और को एक्सटेंशन इसका एक कारण है ये सारे रीजन हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लाइटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड द को एक्सटेंशन अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉलोइंग वर द ऑप्शन यही चार ऑप्शन दिए होते तो आप क्या लिखोगे यार चारों ही पढ़े हमने तो तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज मेजर थिंग सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है फॉर द हैबिट फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज द हैबिटेड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है it's just give me yeah. एक मिनट रुक जाओ बच्चा अदरवाइज ये चलेगा नहीं बीच बीच में अटकेगा नेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज गिव मी अ सेकेंड मैं इसको कर रही हूं जिससे कि बीच बीच में जस्ट अ सेकेंड बेटा सो सॉरी फॉर दिस ना इट्स गुड इट्स परफेक्ट चलो अभी ठीक है अभी विजिबल नहीं होंगी लेकिन लैक तो नहीं हो रहा होगा लेट मी नो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स हाँ जी मैं देख पा रही हूँ अभी एकदम सही है चीज़ें यस yes. तो हम लोग बात थे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ये आप लोग को देखो पीपीटी में जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाऊंगी बट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है वो देखो आप लोग खुद ही इस चीज का अनुमान लगाना तो आप खुद समझोगे कि आपकी कितनी सी एज होगी आप आज जिस भी सिटी में बिलोंग करते हैं आप जैसे मैं कोटा सिटी को बिलोंग करती हूँ आप जिस भी जगह पर रहते हो आप अपनी जगह पर देखना अपने मॉम डैड से पूछना आप देखा होगा कि आप अभी इतने बड़े हैं और आप जब छोटे थे जब चार पाँच साल के आप रहे होंगे दस साल पहले आप जिस भी जगह पर रहते हो सिटी की पैरी फैरीज में देखना कि जहाँ पहले आपके मॉम डैड होता है यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था जंगल हुआ था आज वहाँ मल्टी स्टोरीज खड़ी हैं बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्सेज हैं मल्टी स्टोरीज खड़ी हैं मॉल्स हैं जो कभी सिटी के पैरी फैरी हुआ करता था जंगल हुआ करता था चाहे कोई नहीं था जैसे मैं जिस खुद जिस सोसाइटी में रह मतलब बताते हैं पहले यहाँ कुछ नहीं था जंगल टाइप्स लोगों के बाग वगैरह थे फिर यहाँ पर बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज़ बन गई अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ बन गई तो आप देखो कि हम इतने कम समय में इस चीज़ को देख पा रहे हैं तो ये हैबिटेट लॉस ही तो हुआ है तो यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ रहती होंगी तो उनके उस हैबिटेट लॉस की वजह से ये सब लुप्त होने का उनका एक प्रोबेबिलिटी बढ़ी है तो ये एक कारण है दूसरा हम जो रोड्स बनाते हैं डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं ये सब भी मतलब कई बार होता है ना जंगलों से निकलते हुए रोड बनती है तो रोड के लिए हम उस जगह के एरिया को साफ कर देते हैं दैट इज द फ्रेगमेंटेशन तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है ठीक है तो वर्ल्ड से ही क्लियर हो रहा होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है ऐसे ही जिसके अंदर नेक्स्ट वन इज द ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर एक्सप्लाइटेशन क्या है बच्चा कि किसी जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है मैं ये पढ़ाऊंगी इसके अंदर भी बट अभी रूपरेखा यहीं क्लियर कर ह्यूमन बींग्स जो है हमेशा से हम लोग नेचर पर डिपेंडेंट ही हम हमारे खाने के लिए हमारे रहने के लिए फूड के लिए शेल्टर के लिए हमारी डिपेंडेंसी है ही सही मतलब नेचर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते डिपेंडेंट हैं हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे ही सही लेकिन ना नेचर का भी कैपेबिल कैपेसिटी होता है कि वो वापस से रिन्यू हो जाती है उतना वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं वो वापस से उनका रिन्यूएशन हो जाता है लेकिन जब हमारी जरूरतें हमारे लालच में बदल जाए वेन योर नीड इट चेंजेस इन टू योर ग्रीड दैन इट विल लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम किसी चीज़ का ज़्यादा ओवर एक्सप्लोइ अधिक जरूरत मतलब उसका वो कैपेबिलिटी कि आप वो बियॉन्ड उसके बियॉन्ड वो वापस से रिन्यू नहीं हो सकती हम उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं तो ये भी उस प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बन सकती है बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ एक है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेशन अभी तो जस्ट इंट्रो दे रही हूं कि होगा क्या इसमें नाम जब एग्जाम्पल्स वगैरह सारे डिटेल में पढ़ना है हमें तो एलियन स्पीशीज इन्वेशन क्या है बच्चा एलियन क्या आपने मुँह जादू मतलब हमारे ग्रह से कोई बाहर की कोई चीज़ तो एलियन जिसे हम कहते हैं एलियन स्पीशीज़ मान लो जिस भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं है वो स्पीशीज़ उसके बाहर की कहीं की है यानी कि उस पर्टिकुलर जगह को बिलोंग नहीं करती उस स्पीशीज़ के आने से वो वहां की एंडेमिक स्पीशीज़ वहां की एंडेमिक तो नहीं वो लोकल स्पीशीज़ जो है उसको खत्म कर देती है तो दैट इज द एलियन स्पीशीज इन विजन बाहर की स्पीशीज के वहां इंट्रोडक्शन से वहां की लोकल स्पीशीज थी वो खत्म हो गई तो दिस इज वन ऑफ द रीजन रिजन ने को एक्सटेंशन को एक्सटेंशन म्यूचुअलिज्म होता है ना म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप जो होता है म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा म्यूचुअलिज्म के अंदर मतलब आपका एक ऐसा रिलेशनशिप होता है म्यूचुअलिज्म कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल चलेगी नहीं हमने डिस्कस किया था जीने के लिए ये रिलेशनशिप जरूरी है तो अगर उन दो में से कोई एक भी चला गया ठीक है तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना तो दिस इज द को एक्सटेंशन म्यूचुअलिज्म के अंदर होता है क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों का एक दूसरे का साथ ज़रूरी है टू कंप्लीटेड लाइफ साइकिल अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर भी एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल इसके बिना कंप्लीट नहीं होती तो दिस इज द को एक्सटेंशन साथ में विलुप्त होना एलियन स्पीशीज इन्वेजन इसके एग्जाम्पल डिटेल पढ़ाऊंगी लेकिन पता लग गया होगा कि कोई भी लोकल स्पीशीज थी वहां की किसी दूसरी फॉरन स्पीशीज को यानी कि जो उस जगह को बिलोंग नहीं करती हमने बाहर से ला के वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दी या फिर एक्सीडेंटली आ गई जो भी कारण हुआ तो एलियन स्पीशीज ने क्या किया वहां की लोकल स्पीशीज को खत्म कर दिया दैट इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन वॉट इज़ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक है अदरवाइज ह्यूमन बींग्स दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड फूड मतलब उनकी हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा नेचर के बिना पूरी हो ही नहीं सकती हम तो यूटिलाइज़ करते ही हैं लेकिन वो रिन्यू हो जाता है उनमें रिनीबल केपेबिलिटी होती है लेकिन उसके बियॉन्ड उस चीज़ को यूज़ करना इट विल लीड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैबिटेड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का बहुत अच्छे से मैं आपको ही समझा चुकी तो ये सारे कारण हैं उसमें भी मेजर कॉज जो है मेजर कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज या फिर बोलो मेजर कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज दैबिटेड लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अब क्या लिखा है आपकी बुक्स में यह पढ़ के सुनाती हूं मैं आपको एज आई डिस्कस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एक्सटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन जो बना है क्या होता है लोग बाग जो है पेड़ों को काट देते हैं पीपल कट डाउन द ट्रीज वेटलैंड को भरने के लिए या फिर ग्लासलैंड के लिए ठीक है तो कट डाउन हम लोग खेती बाड़ी के लिए कितने बड़े बड़े जंगलों को नष्ट तबाह कर देते हैं पहले जो जूमिंग कल्टीवेशन चलता था कि हम कहीं गए वहाँ उस जंगल को काटा खेतीबाड़ी की फिर हम कहीं और मूव ऑन कर गए तो वहाँ तो ये सब कितना बड़ा रीजन बना हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का ये एक कारण मैंने बताया ठीक है ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ये इंपॉर्टेंट है जिसे लंग्स ऑफ प्लानट भी कहा जाता है तो मिलियन ऑफ स्पीशीज वहाँ रहती है लेकिन कितने टाइम पर सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए कितने हेक्टर लैंड को तबाह कर दिया गया तो ये सारे रीजंस जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के ये जो हैबिटेड लॉस फ्रेगमेंटेशन क्या मैंने बताया ना रोड्स वगैरह बनाने के लिए बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए बिल्डिंग ऑफ रोड्स के लिए कैनाल्स के लिए क्रॉपलैंड बना के लिए हम फॉरेस्ट को फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों में विभाजन कर देते हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडायोसिस को इतनी रामकानी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुल मिला के सबका सार यही है जो मैंने आपको डिलीवर किया है ठीक है नेक्स्ट इज द ओवर एक्सप्लोइटेशन एज आई टोल्ड यू ह्यूमन हमेशा से नेचर पर डिपेंडेंट रहा है फॉर फूड एंड शेल्टर लेकिन जब उसकी जरूरत उसके लालच में कन्वर्ट हो जाए तो एंड इट विल लीड्स टू द ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इट मींस अब बायोलॉजिकल सिस्टम इज बियॉन्ड इसका मतलब रिन्यूएबिलिटी नहीं हो सकता तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है डोडो दैट इज स्टीलर सी प्रो ये इंपॉर्टेंट है डोडो के बारे में या फिर पैसेंजर पिजन ये लास्ट 500 सालों के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू द ओवर एक्सप्लाइटेशन बाय ह्यूमन ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से डोडो दैट इज अटील सी खो और आपका पैसेंजर पिजन ये लास्ट 500 सालों के अंदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इनका एक्सटेंशन हो गया है कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है मरीन फिशज की जिसे लोग खाते हैं कॉमर्शली यूज किया जाता है ये भी एंडेंजर्ड हो चुकी है इनका भी विलुप्ति के चांसेस जो है ये बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट मतलब उसमें तो डोडो स्टील सीक्रो और पैसेंजर पिजन याद रखना नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन हमने पढ़ लिया बाहर की एग्जॉटिक स्पीशीज आएंगी जैसे कुछ इसके एग्जॉटिक स्पीशीज के एग्जाम्पल इसमें डिटेल दे रखा है सारा डिटेल ना याद रखो चलेगा पढ़ के तो सुना देती हूँ किससे किसका एक्सटेंशन हुआ लेकिन बाकी आप सिर्फ एग्जॉटिक स्पीशीज़ के नाम याद रखोगे चलेगा जैसे कि नील पर्क मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो याद रखना है नील पर्क ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ थी इट इज अ लार्ज प्रेडेटर फिश जिसे लैक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसने इकोलॉजिकली यूनिक मतलब नील किल्ड एंड एलिमिनेटेड द इकोलॉजिकली मतलब लगभग 200 सौ स्पीशीज ऑफ किकेट फिशेज को इसने जो कि एंडेमिक थी सिर्फ वहीं पाई जाती थी इनके एक्सटेंक्शन का कारण बना ये लेकिन ये किकेट फिश के एक्सटेंक्शन का कारण बना ये याद रखने की जरूरत नहीं है बस ये याद रख लेना एक एक्सॉटिक एक एक स्पीशीज का नाम नील पर्क एक एक्सोटिक एक 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 स्पीशीज है कैरेट ग्रास पार्थिनियम जिसे वाटर है कहते हैं टू द वीड जो कि इंडिया के अंदर आई थी विच कंटाम मतलब वीड को इम्पोर्ट किया ना जब ग्रीन रेवल्यूशन तो एक्सीडेंटली कैरेट ग्रास पार्थिनियम भी आया ये भी बहुत सारे हर्ब्स और श्रब्स के एक्सट्रेंशन का कारण बनी लेकिन इसका डिटेल नहीं सिर्फ याद रखना नील पर कभी पढ़ाया कैरेट ग्रास है उसके बाद लंटाना लंटाना इट इज़ अ स्ट्रगलिंग श्रब ऑफ़ द ट्रॉपिकल अमेरिका इसको इंडिया के अंदर एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किया गया और ये सीरियस वीट बहुत सारे प्लांट्स जंगलों में बहुत सारी स्पीशीज को ख़त्म करने के लिए, लिए बना सिर्फ नाम याद रखना लेंटाना कैरेट ग्रास दैट इज द पार्थीनियम नील पर वाटर हाइसेंथ दैट इज द आइकॉर्निया बस नाम नाम याद रखो आपके लिए वही काफ़ी है लेकिन डिटेल में बता रही हूँ यूरोपियंस ने इंडिया के अंदर, अंदर इंट्रोड्यूस किया था ये वाटर बॉडी को ब्लॉक कर दे रहा है तो बहुत सारे एक्टिक प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ का कारण बना होगा तो वाटर एक दैट इज द ठीक है बस इतना याद है। ये याद ये हो जाए तो ठीक नहीं तो इतना नहीं आता इलीगल अफ्रीकन कैटफिश ये भी एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन है ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कभी एग्जामिनर जो पूछता है एक्सॉटिक स्पीशीज में एलियन स्पीशीज इन्वेजन में कि कौन कौन सी एग्जॉटिक स्पीशीज थी तो नील पर्क कैरेट ग्रास एंड द दार्थीनियम आइकॉर्निया दैट इज द वाटर हाइसेंट ठीक है और लेंटाना ये आपको चार एग्जाम्पल्स याद रखने एलियन स्पीशीज के हैं एग्जॉटिक स्पीशीज है सारा नहीं याद होगा चलेगा ठीक है आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने दिखा नीलपर्क एक एग्जाम्पल याद रखना है वाटर हाइसन दैट इज द आइकॉर्मिया एक एग्जाम्पल याद रखना है ठीक है और कौन कौन से एग्जाम्पल बताएं और कौन कौन से एग्जाम्पल बताए हम लोगों ने नीलपर्क हो गया वाटर हाइसेंथ हो गया लेंटाना इंड द कैरेट ग्रास पार्थीनियम बस एग्जाम्पल के नाम नाम याद रख लेना को एक्सटेंशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है तो एक स्पीशीज गई तो को एक्सटेंक्शन का कारण बनती है दूसरी स्पीशीज भी उस वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है दैट सेट अबाउट दिस ठीक है तो ये तो आपके बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण हमने डिस्कस किए क्या क्या आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर एक था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है एलियन स्पीशीज इन्वेजन है ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन में डोडो एंड स्टीलर सी का दैट इज पैसेंजर पिजन ये दो एग्जाम्पल याद रखने एलियन स्पीशीज इन्वेजन में चार एलियन स्पीशीज एग्जॉटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल हमने याद किया कैरेट ग्रास दैट इज द पाइपारथीनियम आइकॉर्निया दैट इज द वाटर हाइसिंथ आपका नील पर्क और ये और फिर एलियन स्पीशीज इन्वेशन के बाद हमने ओवर एक्सप्लाइटेशन हो गया एलियन स्पीशीज इन्वेशन हो गया एक को एक्सटेंशन म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में जो है एक लुप तू एक्सटेंट हुआ तो दूसरा भी साथ साथ हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है और मेजर कॉज जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी इट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इट इज अबाउट दिस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेड डाटा बुक एंड द आई कई बार डायरेक्टली आई के फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आ जाता है दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसे हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं दिस इज द आई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आई के फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रखा है इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जैसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आई यूसी का ये भी इंपॉर्टेंट है मॉल्स स्विटरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है या आपकी रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट को थ्रेटेड प्लांट और एनिमल जो की एक्सटेंशन के कगार पर है इसको ये करता है इसमें टोटल आठ कैटेगरीज है ठीक है ये देखो एट एट कैटेगरीज है इसकी रेड लिस्ट हैज एट कैटेगरी ऑफ स्पीशीज कौन कौन सी और इसका मतलब क्या होता है हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि एक है आपका एक्सटिंक्ट और एक है आपका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड आठ कैटेगरीज है एक तो बच्चा एक्सटिंक्ट स्पीशीज एक है इसके अंदर आपका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या है सुनो एक्सटिंक्ट का तो मतलब नाम से पता लगा कि मतलब इस स्पीशीज का जो लास्ट मेंबर था कोई भी एक स्पीशीज उसका जो लास्ट मेंबर था उसकी भी डेथ हो चुकी है मतलब यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट दिस कि उस स्पीशीज थीज़ी के लास्ट मेंबर की भी डेथ हो गई है तो उसे आप कहते हैं एक्सटिंक्ट है ये स्पीशीज क्योंकि उस स्पीशीज का जो आखिरी मेंबर था वो भी मर गया वो भी गया तो दिस इज एक्सटिंक्ट व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब ये होता है कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको उसके मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट्स में देखा गया मतलब उस स्पीशीज़ का जो तो लास्ट नंबर है आपकी नज़रों के सामने नहीं मरा यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस लेकिन जब आपने ढूंढा जब आपने खोजा तो आपने ये देखा कि मतलब हम खोजेंगे कहाँ मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट्स जहाँ पर वो पाया जाता है जब आपने उनके मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट्स के अंदर देखा तब आपने देखा कि वो स्पीशीज़ का मेंबर नहीं मिला जैसे आप कहते हैं एक्सटेंट इन वर्ल्ड एक्सटेंट इन वर्ल्ड की कहानी है ओसामा बिन लादेन की तरह पहले हमारे बचपन में तो आप लोगों ने सुना होगा पहले कोई कांड होता था सोच फिर शांति रहती थी विश्व में तो सुनते थे ओसामा बिन लादेन मारा गया ओसामा बिन लादेन मारा गया फिर कोई धमाका होता था पता लगता था इसके पीछे किसका हाथ है ओसामा बिन लादेन का हाथ है फिर शांति फिर अफवाह फैलती थी, थी कि ओसामा बिन लादेन मारा गया मारा गया फिर वापस हमने लेकिन फिर बाद में तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता था कोई मीडिया में कुछ आता है ओसामा बिन लादेन मारा गया कोई नहीं मानता था जब तक लास्ट में उसकी डेड बॉडी खुद ना देख ली तो ऐसे ही एक्सटिंट इन वाइल्ड अबाउट दिस sure लेकिन हमने जब मोस्ट प्रोबेबल हैबिटेट जहां पर ये प्रजाति पाई जाती है वहां पर देखा गया तो स्पीशीज का कोई मर नहीं देख पाया गया तो उसे हमने कह दिया एक्सटिंक एंड वाइड इससे तो कई बार क्वेश्चन आया जो भी मैं डिस्कस करी तीन टर्म्स है एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक है एंडेंजर्ड और एक है वनरेबल इनका मतलब क्या होता है तो सुनो तीनों में जो एक चीज जो है ना चाहे क्रिटिकली अंडेंजर्ड स्पीशीज हो चाहे आपकी अंडेंजर्ड स्पीशीज हो चाहे आपकी वनरेबल स्पीशीज हो तीनों की तीनों हाई रिस्क ऑफ़ एक्सटेंशन पर है मतलब एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर है तीनों चाहे मैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करूं चाहे मैं एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करूं ये भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर है और चाहे मैं वनरेबल स्पीशीज की बात करूं ये भी आपके हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर होती है वनरेबल स्पीशीज बट डिफरेंस क्या है बच्चा टाइम पीरियड का डिफरेंस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में यानी कि तुरंत प्रभाव से बहुत जल्द ही ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इमीडिएट फ्यूचर एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है लेकिन नियर बाय फ्यूचर में इससे ज्यादा समय है इसके पास आने वाले समय में नियर बाय फ्यूचर में और वनरेबल स्पीशीज भी है तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पर लेकिन मिड टर्म फ्यूचर में एंडेंजर्ड स्पीशीज से ज्यादा समय है इनके पास मिड टर्म फ्यूचर के अंदर ये डिफरेंस है तीनों के अंदर कई बार क्वेश्चन आया है ठीक है आठ कैटेगरी थी ना एक तो एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड डिस्कस कर करिए तीसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड

जब किसी स्पीशीज को ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड में प्लेस कर पा रहे हो ना एंडेंजर्ड में प्लेस कर पा रहे हो ना वनरेबल में प्लेस कर पा रहे हो तो आप इसे डाल देंगे लोअर रिस्क के अंदर देखो अ टैक्स इज एट लोअर रिस्क जब आप इस पर वालेट करके इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड और वनरेबल इन तीनों के क्राइटेरिया को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपने डाल दिया लो रिस्क के अंदर एक है डाटा डेफिशिएंट आप इसे किस कैटेगरी में डालोगे इतना सफिशिएंट डाटा ही आपके पास उस स्पीशीज के बारे में अवेलेबल नहीं है नाम से ही पता रहा है डाटा डेफिशिएंट डाटा ही अवेलेबल नहीं है और नॉट इवेलुएटेड ये भी नाम से ही पता रहा है कि अभी तक आपने एवैलुएट ही नहीं किया है को ध्यान ही नहीं दिया देखा ही नहीं है कि किस कैटेगरी में इसे डालना चाहिए ठीक है तो ये आठ टेक्स आठ कैटेगरीज रेड डाटा बुक और द आई यू सी एन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स में आठ कैटेगरी है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वनरेबल क्या है लोअर रिस्क क्या है डाटा डेफिशिएंट क्या है और वनरेबल और नॉट एवेल्युएटेड क्या है मेरे हिसाब से ये आठों के आठों पॉइंट्स जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर हो गए होंगे ये जो आपको सामने जो चार्ट दिख रहा है मैं साइड हट जाती हूँ जिससे कि आप इस चार्ट को आराम से देख सकें ये इंपॉर्टेंट है बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शुड 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 बी ऑन योर फिंगर टिप्स क्या है सुनिए हमने क्रिटिकलीबल क्या है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया ऐसे ही कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड और वनरेबल प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज के एग्जाम्पल्स आपको यहां दिख रहे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आपको याद होने चाहिए ठीक है जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में प्लांट स्पीशीज में बर्बरिस मैं साइड में हटी हुई हूँ जिससे कि आप ये चार्ट को प्रॉपरली देख पाए बर्बरिस नीलगिर ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है और सुसल्वेनियस दैट इज द पिग्मी हॉग दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज में ये सारे नाम दे रखे हैं बैटनिका निकोबिया निकोबियाम ब्लू वैंडा पोडोफाइलियम पोडोफाइल राट इज अ सैंडलवुड एंड अ साइकस ये सारे आपके एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं लेकिन जिसको इतने एग्जाम्पल याद ना हो ठीक है जिसको इतने एग्जाम्पल याद ना हो मैं आपको उसमें एंडेंजर्ड स्पीच प्लांट स्पीशीज में अधिकतर जहां से क्वेश्चन आता है वो बता देती हूँ मैं उनको हाईलाइट करवा देती हूं तो सारे ना याद कर पाओ तो हाईलाइटेड वाले याद कर लेना पोडोफाइलम कई बार क्वेश्चन आ गया है बेटा पोडोफाइलम याद रखना है पोडोफाइलम याद रखना मेडिसिनल प्लांट है ये ये एक मेडिसिनल प्लांट है पोडोफाइलम इसका एक एग्जाम्पल है कई बार ये भी आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज ऑप्शन में पोडोफाइलम भी होता है नेपेंथिस भी होता है लेकिन नेपेंथिस भी है तो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज पिक्चर प्लांट लेकिन मेडिसिनल नहीं है तो ये भी याद रखना पोडोफाइलम मेडिसिनल प्लांट है इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है नेपेंथिस पिक्चर प्लांट राव वॉल्फियर सेंटर सरपेंट सैंडलवुड सेंटालम एल्बम सैंडलवुड ये सब एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है इतना और ये वाला एक याद रख लेना बस इसके बियॉन्ड नहीं जाता ऐसा दिखकर सारे ना याद रख पाओ तो एटलीस्ट जो मैंने हाईलाइट किए वो याद रख लेना क्रिटिकली सॉरी अंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ हैं उसमें भी प्रायोरिटी मैं बता दूँ प्रायोरिटी मैं बता दूँ अगर इतना भी नहीं हो रहा तो पोडोफाइलम नेपेंथिस और रावॉल्फिया सरपेंटीना ये तीन तो याद रख ही लेना बाकी ये जो हाईलाइट किया एटलीस्ट कोशिश करिएगा उतने याद रह जाए ये तो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ की बात की अब हम बात करें एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ की तो एशियाटिक लाइन जाइंट पांडा वन हॉर राइनासिरोस कश्मीरी स्टैग दैट इज अंगुल रेड पांडा अधिकतर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है रेड पांडा इंडियन एलिफेंट ब्लू वेल मैको मस्क डियर टाइगर इंडियन वाइल्ड एस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइबीरियन क्रेन ये सब आपके एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज हैं सारे याद रखने ना रख पाओ तो एटलीस्ट रेड पांडा तो बेहद इंपॉर्टेंट रिपीटेड रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है ठीक है वन हॉर्न राइना सिरोज रेड पांडा कश्मीरी स्टैग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और द साइबेरियन क्रेन ये आपके कुछ एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है नेक्स्ट वनरेबल की बात करें तो ज्यादा नहीं तो ब्लैकबग सलमान खान जिस चक्कर में फंसे एंटीलॉप सर्विक ब्लैक बग का ही तो था केस तो ये आपका वनरेबल एनिमल स्पीशीज है ब्लैकबग दैट इज द एंटीलॉप एटलीस्ट ये याद रख लेना ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस तो क्या बताया देखो वैसे तो सारे याद रखो नहीं याद रख पा रहे कोई बात नहीं एटलीस्ट इतने याद रख लेना जो मैंने आपको यहाँ पर डिक्टेट किए हैं तो मैंने बताया मैं साइड एट रही हूँ आप जैसे कि आराम देख से देख सकते चुके एटलीस्ट हाईलाइटेड वर्जन याद रख लेना क्रिटिकली एंडेन्जर्ड एंडिजर्ड और वनरेबल प्लांट और एनिमल स्पीशीज कौन सी हैं वनरेबल में एनिमल स्पीशीज इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने सलमान खान जिसके चक्कर में फंसे ब्लैक बग कारा हेडन ब्लैक बग ये याद रखना ठीक है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की मैं बात करूँ सारे यहाँ ना याद हो, तो आप ये याद रखें टेलीग्राम पर मिलेंगे नोट्स तानिया पोडोफाइलम नेपेंथिस दैट इज द पिक्चर प्लांट ठीक है राव वॉल्फ और राव वॉल्फ या सरपेंटीना आपकी कुछ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ हैं पोडोफाइलम में याद रखना ये आपके पोडोफाइलम जो है ये मेडिसिनल प्लांट है नेपेंथिस नॉर्मल दोनों है लेकिन ये याद रखना red panda it is one of the favorite question of the examiner yeah? red panda endangered animal species yeah? यस yes. हाँ बच्चों नाउ ऑडिबल ना थोड़ा सा बच्चा आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है फटाफट से खत्म कर लेते हैं इसे फटाफट से हम लोग इसे खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा ही बचा है ये जस्ट आपको कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जस्ट ये चार्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए जैसे कि लॉयन के बारे में दे रखा है लॉयन गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर यहां पर ये फेमस है जूनागढ़ गुजरात के अंदर लॉयन और क्वेश्चन ये भी आता है बच्चा कि टाइगर किसका रेजिडेंट नहीं है तो आप देखिए गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर ठीक है गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर सिर्फ लॉयन वहां पर टाइगर्स नहीं मिलते टाइगर की हम बात करें तो राजस्थान में हमारे कोटा के बगल में ही है रणथम्बोर है ठीक है बंगाल टाइगर्स फेमस है आप लोग को पता होगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है सुंदरबंस बंगाल टाइगर्स का सुंदरबन टाइगर रिजर्व बंगाल के अंदर है ठीक है हजीराबाग सेंचुरी काना नेशनल पार्क नागार्जुन सागर दिसारदा कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं इसमें स्पेशली रणथम बोर सुंदरबन और जिम कॉर्बेट से रणथम बोर सुंदरबन और जिम कॉर्बेट से कई बार क्वेश्चन आया है लॉयन वाला तो याद रखना ये गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर है यहाँ टाइगर नहीं है ठीक है टाइगर में हमने जिम कॉर्बेट है हजारीबाग सेंचुरी है सुंदरबंश है रणथम है काना नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर है ठीक है ये कुछ है बट इनमें से अधिकतर रणथम बोर सुंदरबन और जिम कॉर्बेट से क्वेश्चन बन जाया करता है ये कुछ आपके टाइगर्स जो है यहाँ पर मिलते हैं स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है आपका कैसे गैंगटॉक सिक्किम के अंदर नेशनल पार्क है राइनोसरोस के लिए जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है काजीरंगा नेशनल पार्क मानस सेंचुरी भी है जेदपरा सेंचुरी भी है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे नहीं याद होते तो उस केस में बता रही हूँ राइनोसरोस के लिए काजीरंगा एलिफेंट के लिए पेरियार सेंचुरी से कई बार आ जाते हैं और मानस सेंचुरी बाकी याद रख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं याद होता तो एटलीस्ट ये दो याद रख लेना तो ये आपके कुछ सेंचुरीज वगैरह हैं एक आपको मैंने दिया है वाइल्ड एस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनका हैबिटेट होमवर्क है ये आप पता करेंगे यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है वाइल्ड एफ एक रन ऑफ कच के अंदर है जैसलमेर के रेगिस्तानों में मिलेगा कौन सा है ये बताएंगे रन ऑफ कच सॉरी वाइल्ड और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन दोनों का भी नेचुरल हैबिटेट आप मुझे होमवर्क है ये आप लोग के लिए आप करके लाएंगे इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ये नेक्स्ट क्लास के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज हम शुरू करेंगे और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा अधिकतर क्वेश्चन जो इस पर आता है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस जो आज हमने पढ़ा था ठीक है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के तरीके से अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है ये जो नेशनल पार्क्स वाले से क्वेश्चन आ जाता है और कितनी स्पीशीज सबसे ज्यादा किसकी है चावल की कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं आम की एक हजार स्पीशीज है लाखों में है राइस स्पीशीज वे न्यूज़पेपर रीडिंग लगाओगे आप एनसीआर तो आपको क्लियर हो जाएगा तो चावल की स्पीशीज मैंगो की स्पीशीज कितना लैंड एरिया इंडिया के पास और कितनी बायोडाइवर्सिटीज बारह मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड में से इंडिया एक है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण क्या क्या है ठीक है एलियन स्पीशीज से एग्जाम्पल से क्वेश्चन वगैरह ये सब आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तरीके से इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट से मान के चलो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वहां से आता ही आता है ठीक है और ये कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कौन सा किसका नेचुरल हैबिटेट है यहाँ से क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस चैनल को वाया प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड मेरा नाम ही मेरा कोड है जो कि है शिवानी इसको अप्लाई करने से आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा साथ साथ आप मेरी मेंटरशिप मेरी गाइडेंस में एनरोल्ड हो जाएंगे शाम को छः बजे मिलेंगे हम लोग वापस से ठीक है स्टडी विद मी सेशन भी होगा और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म कर लेंगे और स्टडी विद मी सेशन लगाएंगे ठीक है तो छः बजे कंप्लीट डेडिकेशन के साथ सब मुझे वहाँ मिल रहे हैं ठीक थैंक यू बाय एवरीवन